एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो आपको बताने वाले हैं कि एयर सुविधा फॉर्म फिलअप कैसे करें, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कैसे करें। अगर आप फिलअप नहीं करते हैं तो आपको एयरपोर्ट में परेशानी पड़ सकता है, वहाँ आपको कुछ पैसे लेके फिर आपको बनाना होगा, ठीक है। तो आप जाने से पहले ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो फिलअप कैसे करें, तो इस वीडियो में सारे डिटेल्स में आप बताएँ। अब कुछ लोगों का मैसेज ये भी है कि जब भी हम एयर सुविधा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो लास्ट में सबमिट करने के बाद वहाँ पे हमें एरर का ऑप्शन आ रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है और क्या प्रॉब्लम है, तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो अब तक मिल सके। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको दो तीन काम जो करने हैं, आपको सबसे पहला कि पासपोर्ट का सारा डिटेल्स आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि आपके पास टिकट होना चाहिए, और तीसरा है आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए जो 1 MB से कम हो, ठीक है। और हालांकि वहां पे पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट जो है अभी कंपलसरी नहीं है। पासपोर्ट का नंबर वहां फिलअप करना पड़ता है, इसीलिए पासपोर्ट वहां कंपलसरी नहीं, लेकिन वैक्सीन जो है वैक्सीन कंपलसरी है। तो पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट को आप पीडीएफ फाइल बना लें तभी वहां अपलोड होगा, वरना आपको अपलोड वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि फिलअप कैसे करें और क्यों एरर आ रहा है, सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए अपने फ़ोन के स्क्रीन पे हम ले जाते हैं और आपको हम बताते हैं। हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है एयर सुविधा, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। और आपको थोड़ा सा नीचे आना, आप यहाँ पे शो हो रहा है आपको फुल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा है फुल नेम पासपोर्ट, यानी कि जो पासपोर्ट में जो आपका नाम हो वही आपको नाम यहाँ पे सही सही टाइप करना है, ठीक है। तो हम यहाँ हम टाइप करते हैं एमडी जसिम अंसारी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में लोग मतलब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ पहले जो आपका मतलब कि साल है पहले वो सेलेक्ट करें, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं पहले 95, ठीक है, 95, और यहाँ से मई और यहाँ से 16 तारीख, ठीक है। जिस तरह हम टाइप करें उस तरह आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका है तो हम यहाँ करते हैं मेल, और यहाँ पे आपको फ्लाइट नंबर, ठीक है। तो फ्लाइट नंबर हम यहाँ पे करते हैं SB756। अब यहाँ पे आपको सीट नंबर, तो सीट नंबर अभी आपके पास में नहीं है तो यहाँ पे आप 00 कर दें, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मांग रहा है PNR नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको PNR नंबर देना, ठीक है, MTK4CA, ठीक है। अब यहाँ पे ही कर देना। अब इसके बाद आपके पास नेशनलिटी है, अब यहाँ से जो भी नेशनलिटी आपको वहाँ से चॉइस कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इंडिया कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो पासपोर्ट नंबर आपको फिल करना है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ फिल हो गया। अब यहाँ आपको यहाँ शो हो रहा है अपलोड योर पासपोर्ट कॉपी, ठीक है। तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं मतलब आप कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे फिल हो चुका है, ठीक है। तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ अराइवल, यानी आप किस दिन आप जाने वाले हैं, यानी सऊदी अरब से आप किस दिन जाने वाले हैं, ठीक है, इंडिया। तो जो भी आपका डेट है तो यहाँ पर हम फिल करते हैं 25, ठीक है। ये हमारा 25 तारीख हो गया। अब यहाँ पर शो हो रहा है कंट्री ऑफ डिपार्चर, यानी आपका मतलब कि आप कहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब से, ठीक है। तो अब जिस कंट्री में अभी हैं और वहाँ मतलब कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप जहाँ फ़िलहाल हैं उस कंट्री का नाम यहाँ इंटर करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं सऊदी अरब, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मतलब कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल इसको काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको नो कर दे। अब यहाँ से पूछ रहा है जो मेन ऑप्शन है, आर यू टेकिंग ए कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट। अगर आपका आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपका फ्लाइट अगर डायरेक्ट नहीं है, कहीं फ्लाइट अगर आपका चेंज है तो आप यहाँ पर यस करें। यस करने के बाद आपको यहाँ पर उस फ्लाइट का नंबर देना होगा, ठीक है। अगर आपका डायरेक्ट फ्लाइट है तो आपको सिंपल यहाँ पर नो कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अपलोड वैक्सीन सर्टिफिकेट, ठीक है, इस पर क्लिक करना है
और जो भी आपका पीडीएफ फाइल होगा ठीक है जिसमें होगा तो वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है। ये हमारा अभी सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रहे कि जब भी आप पीडीएफ फाइल बनाएं तो अभी हम आपको हम दिखा रहे हैं ठीक है। पीडीएफ फाइल जब भी बनाएं आप तो आप जहाँ भी अगर पीडीएफ फाइल बना रहे हैं तो उसका जो नाम है वो एक लाइन में रखें, कहीं पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी आपको हम दिखाते हैं ठीक है, सॉरी ये आप देख सकते हैं हमारा कहीं भी स्पेस नहीं। अगर ये स्पेस होगा तो आपका जो ये पीडीएफ फाइल है अपलोड होगा नहीं और इसी वजह से एरर हो रहा है ठीक है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो अभी हमने अपलोड किया यहाँ पे अपलोड अभी हो चुका है ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन ऑफ फाइनल वैक्सीन डोज, यानी आप कहाँ लिए हैं मतलब लास्ट डोज ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से हम करते हैं सेलेक्ट सऊदी अरब, ठीक है ये हो गया ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछ रहा है डेट ऑफ फाइनल डोज वैक्सीन ठीक है, तो यहाँ से जो भी मतलब कि जो आप फाइनल वैक्सीन मतलब कि जो लास्ट डोज कितना तारीख को आप लिए थे ठीक है, तो वो डेट को यहाँ सेलेक्ट करना। लेकिन अगर यहाँ भी अगर सेलेक्ट करते हैं तो पहले कौन सा साल था, यानी 2021 था या 2020 था ठीक है, पहले वो चीज़ यहाँ करना सेलेक्ट। तो हम यहाँ करते हैं 2021 और ये अप्रैल हमने लिया था दिसंबर में ठीक है, दिसंबर 28 को ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट ठीक है। अब नीचे आना है, अब यहाँ पे आप पूछ रहे हैं सिटी ऑफ डिपार्चर, यानी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो कौन सी सिटी है ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं जेद्दा ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि फर्स्ट एयरपोर्ट एंट्री ठीक है, तो आप मतलब कि आप जहाँ जा रहे हैं अगर आपका डायरेक्ट फ्लाइट है तो कौन सा मतलब कि दिल्ली जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं तो वहाँ का टाइप करें ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट ठीक है। और फिर यहाँ से आपको पूछता है मतलब कि अगर आप यहाँ पे अगर जो फर्स्ट में आपको जो पूछा था कि अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट भी है ठीक है, तो अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट पर अगर यस करते हैं ठीक है, तो आपको सेकेंड एयरपोर्ट भी आपको पूछेगा ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है फाइनल डिसीजन हाउस नंबर, अगर हाउस नंबर है तो आप दे सकते हैं और नहीं है तो यहाँ पर 00 कर सकते हैं ठीक है। तो हम यहाँ 00 कर दिए ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है फाइनल डिजाइनेशन स्टेट ठीक है, तो जो भी स्टेट है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हम यहाँ डालते हैं चित्रा ठीक है। अब यहाँ पे हम डालते हैं अपना गांव का नाम, ज़रूरी नहीं है आप अपने ज़रूरी नहीं है आप जहाँ पे जो एयरपोर्ट पे आप मतलब कि उतर रहे हैं आप वहाँ तक भी सिर्फ ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर जो आपके पासपोर्ट में डिटेल्स वो भी डाल दें तो और अच्छा है ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है फाइनल डिसीजन स्टेट, यानी आप कौन सा स्टेट से रहने वाला ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारा जो स्टेट है हम यहाँ पे ये करते हैं झारखंड ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है हमारा पिन कोड, हम यहाँ पिन कोड डालते हैं ठीक है, हम डाल दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है फ़ोन नंबर ठीक है, तो फ़ोन नंबर भी डालना ज़रूरी है ठीक है। तो हम यहाँ डालते हैं 3571 ठीक है। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसलिए कि इसी नंबर को फिर से यहाँ अल्टरनेट नंबर में हम डालते हैं ठीक है, ज़रूरी नहीं कि दो नंबर डालें। अब यहाँ से पूछ रहा है ईमेल, तो ईमेल डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ईमेल में ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पीडीएफ में बन के आएगा ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना हम ईमेल डालते हैं, तो हम यहाँ पे डाल चुके हैं gmail.com ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एक्सपीरियंस ऑन द फॉलोइंग यानी सेम टाइम ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका फीवर है तो यस करें और नहीं है तो नो करें, कफ है तो है तो ठीक है तो कोई बात नहीं ठीक है नो करें। और अधिकतर लोगों को यहाँ पे डायबिटीज़ होता है ठीक है, तो अगर आपका डायबिटीज़ है तो यस करें और नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली सबको नो कर दें यहाँ से ठीक है, नो करना है यहाँ से नो करना है। अब यहाँ से एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो लिख रहा है नन सेलेक्ट ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ से नन कर देना है ठीक है, नन करना है। उसके बाद आपको नीचे में तीन टिक मिल रहा है एक ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, अब इस पर हम आपको क्लिक करना है। अभी आपको लिख रहा है प्लीज़ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सिटी देखिए, तो अभी हमारा यहाँ पे सिटी मांग रहा ठीक है, तो हम यहाँ सिटी हम डालते हैं मेरा चतरा। जब भी आप स्टेट डालते हैं तो स्टेट के बाद सिटी मांगते हैं, तो हमने यहाँ गलती किया था ठीक है, तो हम सिटी डाल दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जाना है सबमिट पे, ये सबमिट कर दिए और ये अभी प्रोसेस अभी चल रहा है ठीक है, अभी आपको हम दिखाएंगे ठीक है। अगर आपको फिर अगर कहीं पे भी अगर गलती होता है इसमें
तो एडिट कैसे करेंगे वो चीज़ भी अभी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। पहले इसको थोड़ा प्रोसेस होने दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। देखिए ये अभी हमारा ये हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं लिख रहा है पैसेंजर मस्ट कैरी एप्लीकेशन प्रिंट आउट ऑफ सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। ये आपका नंबर है, ये नंबर आप कॉपी करके रखें। इससे क्या होगा कि अगर आपका कहीं पे भी गलती हो तो इस नंबर से आप एडिट कर सकते हैं। अब चले जाते हैं अपना ईमेल में, ठीक है। हम आ गए अपने ईमेल पे और यहाँ पे एक कॉपी आ चुका है, ठीक है। हालांकि जो नंबर आपका है वो यहाँ पे भी शो करता है, ठीक है। अब ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यह भी ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ सारा डिटेल्स है, अगर कहीं से भी गलती होता है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको आप मतलब कि कोई भी ऑफिस में जाकर या फिर कोई भी मतलब फोटोकॉपी शॉप पे जाकर इसको डाउनलोड सॉरी इसको कॉपी करवा लो, ठीक है। अगर इसको आपको एडिट करना है तो आपको सिंपली शायद अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो तो वहाँ पर आपको थ्री डॉट का निशान होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो लिख रहा है एयर सुविधा, तो इस पर क्लिक करना है और नीचे में शो रहा है एडिट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका थ्री डॉट है तो थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे टाइप करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको जो नंबर अभी आपको बताए थे वो नंबर यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पासपोर्ट नंबर और यहाँ से ईमेल करने बाद यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करना है फिर से पूरा पेज आपको खुल जाएगा, जो चीज़ आपका गलत है वो चीज़ आप सेलेक्ट करें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे कि डेट ऑफ बर्थ हो या फिर कोई भी डेट हो तो पहले ईयर को सेलेक्ट करें, उसके बाद डेट और मंथ को मतलब कि मंथ और डेट सेलेक्ट करें, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। टेक केयर, बाय बाय।